हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछला वीडियो में जो था टेलीप्लान का, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग जान चुके थे, जीएसटी तक के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम देखिए है टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप लोगों को सब कुछ पता है जीएसटी क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने को मिलता है, तो दो में से कोई एक को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें कारण क्या रहता है, तो क्या कारण रहता है, वो चीज हम जानेंगे और समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी का अकाउंटेंट अगर बन जाते हो, ठीक है, अकाउंटेंट आप बन गए, अब क्या है कि अब आपको अपना जो मालिक, आप जिस मालिक का अकाउंटेंट है, आपको उस मालिक को बताना पड़ेगा कि आपका जो ये फर्म है, फर्म मतलब कि आपका ये जो बिजनेस है वो किसके अंडर जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारा सरकार बना के रखा हुआ है, एक है कंपोजिशन, दूसरा है रेगुलर, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या होता है और रेगुलर क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो जैसे देखिए, कंपोजिशन फर्म क्या होता है, जो भी कंपनी, मान लीजिए कि एबीसी नाम का एक कंपनी है, ठीक है, उसका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कि हर साल में जो लेन देन होता है दुकान में, उस दुकान में जितना का लेन देन होता है, तो मान लीजिए कि उसका 1.5 करोड़ तक पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मिला जुला करके, कंपोजिशन का मतलब ही होता है मिला जुला करके, जो टर्नओवर होता है साल में, साल भर में जो लेन देन होता है वो करीब 1.5 करोड़ का होता है, कितना का, करीब 1.5 करोड़ का। तो उस कंपनी का, यानी कि मिला जुला करके अगर किसी दुकान का या किसी कंपनी का अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ तक हो रहा है, तो उसका जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो उसको सेलेक्ट करेंगे कंपोजिशन फर्म, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जब भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जीएसटी तभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब उस सबसे पहला चीज आपको अपने जो मालिक है उससे सवाल करना है कि आपका साल भर का जो है टर्नओवर कितना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट चेक करिए, स्टेटमेंट में आपको सारा टर्नओवर दिख जाएगा, ठीक है, डीआर और सीआर स्टेटमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें अगर पूरा साल भर में अगर 1.5 करोड़ तक पूरा नहीं हो पा रहा है, उससे थोड़ा सा कम है, तो उसको कंपोजिशन फर्म में ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। दूसरा चाहिए रेगुलर, रेगुलर का मतलब भी आप समझ में आ रहा होगा आपको कि रेगुलर का मतलब रेगुलर होता है, रेगुलर मतलब क्या समझे। तो देखिए, एक एबीसी नाम का एक कंपनी है, जो कंपनी क्या कर रहा है कि हर साल उसका 1.5 करोड़ या तो उससे ज्यादा, ठीक है, कितना, इससे मोर देन, यानी कि एबीसी नाम का कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा एक साल में जो टर्नओवर किया जा रहा है, यानी कि लेन देन, वो कितना है, 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया का लेन देन या तो उससे ज्यादा का, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर में। तो सबसे पहला चीज आपको हम बताए थे कि अपना जो जिसका आप अकाउंटेंट का काम करेंगे उससे ये सवाल करना है कि आपका सालाना टर्नओवर कितना होता है। तो आपका मालिक अगर ये बोलता है कि मेरा मिला जुला करके 1.5 करोड़ तक हो जाता है, तो उसको हम कंपोजिशन फर्म में रखेंगे। दूसरा चीज, अगर आपका मालिक ये कहता है कि आपका जो मेरा जो टर्नओवर है साल भर का वो है 1.5 करोड़ से भी ऊपर, तो कहने का मतलब हुआ कि वो रेगुलर फर्म में गिनती में आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जीएसटी अप्लाई करते वक्त आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग समझ, तो टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ये जो कंपनी हमारा जो बनता है, कंपनी जो कंपोजिशन फर्म रहता है या रेगुलर फर्म रहता है। तो अब ये लोग जो है अब अपना लेन देन स्टार्ट कर देंगे, तो कहने का मतलब ये है कि आप तो अकाउंटेंट है भैया, तो अकाउंटेंट है तो आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो मालिक है वो किस तरह का बिल बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपोजिशन फर्म का आप अगर काम कर रहे हैं, तो जब उसका जो बिल बनेगा, यानी कि जो भी लेन देन होगा उसका जो बिल बनेगा, उसको क्या कहा जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई, किसका, जो कंपोजिशन फर्म रहेगा। देखिए, ये जो है आपका, ये आपका काम आ सकता है जब भी कभी एग्जाम वगैरह होता है इसका, या तो फिर आप अपना मतलब जनरल नॉलेज के पर्पज से आप इसको याद रख सकते हैं कि कंपोजिशन फर्म वाले जो होते हैं, ठीक है, उनका जो बिल बनता है उसको कहा जाता है बिल ऑफ सप्लाई, लेकिन रेगुलर फर्म यही चेंज रहता है इसका। अगर रेगुलर फर्म का अगर कोई आप जिसका काम कर रहे हैं, अगर उसका फर्म जो है वो फर्म अगर रेगुलर फर्म है, तो उसका जो बिल बनेगा उस बिल का नाम क्या होगा, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज आपको क्लियर हो गया।
अब हम लोग जो है इसके बाद सीधा पहुंचेंगे एंट्री करने। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़े हैं उसके ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये सबका जो था ना ये हम सभी को भी पता चलेगा अभी कि हम लोग को कहां कहां पे ये सबका यूज करना है। क्या कि देखिए टेली प्राइम जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है उसमें आपको अगर बारीकी से हर चीज को अगर ना बताए तो इसमें आपको नुकसान ही होगा कि आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको दिक्कत होगा चीजों को आप समझे हुए अगर नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। कंपोजिशन वाले जो कंपनी होते हैं ठीक है उनका जब भी बिल बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन रेगुलर फर्म का अगर रहेगा तो उसका क्या कहा जाएगा? बिल्कुल टैक्स इनवॉइस। ठीक है गाइस, तो क्लियर है इतना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।